इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। सत श्रीकाल जी सारे नो, मैं नरभै सिंह सनबदास सिंह रायकोट के रहने वाला। मैं अज तो साल पहला डॉक्टर मसूद नूं मिलिया सी, ऑपरेशन की गलबात हो गई, टैस्ट करा रहे, टैस्ट भी ओके हो गए, फिर किसी को मन डर गया। उदों तकरीबन मेरा वजन सी 1 क्विंटल 45 किलो, जो कि उस तो बाद फिर मन मतलब ऑपरेशन तो डर गया भी रहने दो, सर्जरी करवाउण उदे ठीक हो जाएंगे, कोई दवाई वगैरह खा लें, पर बहुत साल कोशिश की थी, नहीं हल होया। फिर दोबारे इन्हों आके मिले, बड़े वधिया सुभाई नेचर ने, फिर इन्होंने प्यार दिता उन्हें भरावान वाला। फिर आके मिले, मैं दसा भी नहीं हल होंगे, हल ऑपरेशन करो। फिर आके इन्होंने को टैस्ट दोबारे कराए, टैस्ट सही आए, पर हूँ वजन मेरा वो ना बद के 30 किलो 75 किलो हो चुका जी। मैं बहुत जगह साल बच्चे ट्राई भी की, कोई शहर नहीं छड़े, खन्ना, लुधियाना, जलंधर, सहार सारे गया, पर मैनू ज़्यादा विश्वास अमसूद से जिन्हें से विश्वास भाई ये ऑपरेशन मतलब भी मेरा मन इन्हें खड़ता फिर तो पहला भी मैनू तकलीफ मतलब सह चढ़ता सी, गोडे तकलीफ सी ज़्यादा, हूँ फिर बहुत ज़्यादा सी। हूँ मैनू दाखवा इन 2-3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, हूँ मेरी बाईपैप मशीन नाल कर रहे ने, फेफड़े साफ हो रहे, उसी साफ हो रहे हैं, मतलब ऑपरेशन लई सही कर रहे हैं। कल मेरा बाईपास सर्जरी ऑपरेशन हो जाऊगा, फिर उस तो बाद 15 दिन बाद फिर अपडेट देवांगे कि किन्ना वजन घटिया, किन्ना चल रहा है जिंदगी, किन्ना चल रही है। पर अज के टाइम तकलीफ गोडिया की सह की बहुत ज़्यादा आ, पर इतने आके महसूस नहीं होता क्योंकि डॉक्टर साहब प्यार ही नहीं देंगे, भरावान वध करते हैं, मरीज नहीं समझते, ये अजी ब्रदर समझ के कम करते हैं। बहुत वधिया पढ़ाई की है, बहुत वधिया कम करते, बहुत वधिया मतलब माण ही इन्होंने को मन महसूस होंगे आके भी कोई ऑपरेशन करवाना, तो डायरेक्ट न डर नहीं है इतने आके, कोई मन महसूस नहीं हो रहा भी डर वाली गल। कल मेरी सर्दी हो जाऊगी, फिर तुम्हें 15 दिन बाद फिर अपडेट देवे जमे पास। सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग सारे जी, मैं नरभै सिंह, अज मैं सर्दी करवा लग्या, अज वो दिन आज अड़ी दीड़ी से अब वो दिन आ चुका, मैं अच्छ सर्दी करवा लग्या, ये बड़ा चंगा महसूस कर रहा सारे पक्षों तो, मतलब मैं ठीक हाँ, अज किसी किसी की घबराहट नहीं हो रही, तो दस इस तो बाद सर्दी करवाने तो बाद फिर दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल हूँ ठीक ठाक हाँ। इस तो बाद मैं तुम्हें फिर दोबारे 15 दिन बाद फिर दोबारे अपडेट देवगा चंगे नतीजे के नाल, क्योंकि मैं डॉक्टर मसूद जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि मेरा अज सर्जरी है, फिर दोबारा तुम्हें 15 दिन बाद फिर दोबारा मिलेंगे। मैं नरभै सिंह, अज सर्जरी करा के घर जा लगे, छुट्टी जरूर लगी, मैनू बड़ा वधिया रहा, मेरे 3 दिन हो गए सर्जरी हुई नूं, सर्जरी दौरान कोई तकलीफ नहीं बिल्कुल आई, बाद दे विच भी स्टाफ ने बड़ा प्यार नाल सांभ संभाल की, बड़ा बड़ा प्यार देंदे आ, इत्थे आके महसूस ही नहीं हुंदा भी कितें घरे आ जां हॉस्पिटल दे विच आ, बड़ा वधिया लग्या इन्हां दा व्यवहार, सरदार साहब दा व्यवहार, सर्जरी दा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा इन्हां दा, कोई तकलीफ नहीं बिल्कुल। बस छुट्टी लैके अज घरों जाण लगे आ, फिर 15 दिन बाद देखांगे किन्ना वजन घटदा, तुहानूं नवीं अपडेट देवांगे, तंदुरुस्ती बारे दसांगे, ते जींदे वसदे रहो, सुख शांति, सति श्री अकाल। मैं सर्दी करके बहुत खुश हाँ, हुण मैनूं मतलब बड़ा महसूस हो रहा, ना मैनूं साह चढ़ रहा, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं मैनूं, मैं बिल्कुल सही लिकड़ लै रहा, तो हुण मैं घरों जा रहा। सति श्री अकाल सारे वीर भरावां, सति श्री अकाल जी। मैं 15 दिन पहलां अपडेट कराया सी अपने वजन वाला मोटापे वाला अमित सूद डॉक्टर मोगा तो, ते बड़ा वधिया महसूस कर रहा, मैनू कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, कोई वैसे ही शरीर की तकलीफ नहीं, कोई खाण प्रति तकलीफ नहीं, मैं फिश भी खा लिया, आंडा भी खा लिया, तो बड़ा वधिया चाय पानी भी, होर जो चीज़ मेरे मन करता मैं खा रहा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं मैनू। मैं अज मेरा 15 दिन बाद मैं वेट 13 किलो मेरा वेट लॉस हो गया 15 दिन के,
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਘਰਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਓਪਰੇਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਦਰ ਅੰਗ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰੁਪਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 20-22 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।